गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गोरखपुर महोत्सव में कूड़ा प्रबंधन को लेकर कम्पोजिस्ट प्लांट लगाकर उसके डिस्पोजल के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि कूड़ा निस्तारण प्लांट के तहत डिस्पोजल किए गए कूड़े से खाद सहित अन्य चीजें बनाकर आय अर्जित किया जाएगा, जिसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष भी किया जाएगा। इसके अलावा महोत्सव में साफ सफाई और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। वो बड़ा बनाने के वही ऑफिस फेयर, ट्रेड फेयर, तो जब हम यूनिवर्सिटी में इंटर कर रहे थे तो राइट हैंड साइड में वहाँ ट्रेड फेयर था। अब की बार जब हम इंटर कर रहे हैं, चार गेट हैं, गेट नंबर 2 से जब हम इंटर कर रहे हैं तो ठीक सामने कॉर्नर पे हम फूड कोर्ट रख रहे हैं, वहां पे हम विज्ञान प्रदर्शनी रख रहे हैं। गेट नंबर 1 ये सर, हाँ। तो अब फूड कोर्ट और विज्ञान प्रदर्शनी के बीच में जितना भी एरिया है, हाँ, ये विज्ञान प्रदर्शनी है सर। और इस कोने में जहाँ दोनों के बीच में हम ढेर सारे स्टॉल होंगे हमारे, जो डिपार्टमेंट वाले होंगे, जिसको विभागीय प्रदर्शनी कर दें। इस बार 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण इसमें कर रहे हैं, जिसको ससान साइट देंगे, अब की बार हम ये कर रहे हैं कि जितना भी कूड़ा हमारे महोत्सव से निकलेगा 100% हम वही डिस्पोजल करेंगे। एरिया, हाँ, जिसमें हम पूरे कूड़े को उठा करके ले जाएं, सोर्स सेग्रीगेशन हम करेंगे। सोर्स सेग्रीगेशन में हम ड्राई वेस्ट होगा उसका MRF बनाएंगे, मेटेरियल रिकवरी करेंगे, और जो हमारा वेट वेस्ट है, जो गीला कूड़ा है, वही उसकी कंपोस्टिंग करेंगे। तो हमें ये ऑफ साइट में इतनी जगह चाहिए जहां हम इसको कर सके, लेकिन हम रखेंगे इसको ऑन साइट में। मतलब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिखाना चाहेंगे कि साहब एक हम ऐसा मॉडल रख रहे हैं कि इसके अंदर से कोई भी कूड़ा बाहर नहीं जाएगा, हम कुछ भी बाहर नहीं देंगे, जो भी देंगे वो मूल्यवान होगा, मतलब ड्राई भी होगा तो उसको बेचेंगे, जो वेट होगा उसको भी महोत्सव कंपोस्ट के नाम से उसकी ब्रांडिंग कर देंगे। अभी वेबसाइट पे लिखा टास्क गोरखपुर महोत्सव, गार्बेज फ्री, जीरो वेस्ट, टू बिन, हजार्डस वेस्ट, सोर्स सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन, स्ट्रीट गार्बेज मैनेजमेंट, यूज मास्क डिस्पोजल, प्लॉगिंग ऑन 13th मॉर्निंग बाई 100%, MRF, रिकवर्ड मटेरियल फॉर सेल, होम कंपोस्टिंग, पिट कंपोस्टिंग, महोत्सव कंपोस्ट फॉर सेल। तो ये हमने अपने EO साहबान को ये टास्क दे दिया है, हर चीज़ का उनको प्रभारी बना देंगे, एक डोर टू डोर का प्रभारी बना देंगे, एक MRF का प्रभारी बना देंगे, एक पिट कंपोस्टिंग का प्रभारी बना देंगे, एक पूरे एरिया में भ्रमण करके बीनने वाला प्रभारी बना देंगे। हमारे पास 8 EO हैं, उनको वहाँ यूटिलाइज कर लेंगे। एग्रीगेटर चाहिए होंगे उस कूड़े के लिए, वो हम पैसा खर्च करेंगे सर उससे, मतलब अब की बार दिखेगा कि हम मास्क और ये ग्लव, मतलब उसको डिस्पोज आप करने नहीं, मास्क के लिए हम सर वो रखेंगे, ये मास्क को जला देंगे, प्लस एक हम वहाँ पर पिंक टॉयलेट बना रहे हैं, उसमें हम एक वो भी लगाएंगे मशीन, जिससे कौन सी, जिससे वो निकल आएगी, सैनिटरी नैपकिन निकल आएगी, वो वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन, एक वेंडिंग मशीन भी लगाएंगे, उससे सैनिटरी नैपकिन निकल आएगी। अगर कोई महिला कोई सैनिटरी नैपकिन यूज कर लेती है और उसको डिस्पोज करना चाहती है तो वहीं पर उसका हम ये दे देंगे, इंसिनरेटर दे देंगे कि वो उसमें जल जाए, वो भी इलेक्ट्रिक से चल रहा होगा। तो ये मोटी मोटी अब फोर्स और CFO साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप अगर 3 साइट चाहते होंगे तो अभी मौके पे चल के आप चिन्हित कर दीजिएगा कि ये 3 साइट हमारा एडजस्ट कर दें। तो उसमें 2 साइटें तो हमें क्लियर हैं, घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड, और चौथे गेट से अंदर घुस करके, और प्रदर्शनी के ठीक पीछे हमारे पास ओपन स्पेस है जहाँ गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर सकते हैं, और 2 गेट रहेंगे वहाँ से पीछे, मंच पीछे का, हाँ, मंच के पीछे हमारा पूरा एरिया आता है वहाँ पे। और ये छोटी गाड़ी सर जहाँ पे वो बन रहेगा, तो मेन पंडाल हट जाएगा, प्रदर्शनी चलती रहेगी। 11 से 16 तो चंपा देवी पार्क 12 से 16। दूसरी साइट हमारी मुक्ता काशी मंच, वो थोड़ा सा अच्छा अभी चल के दिखा देंगे। मुक्ता काशी मंच एक ओपन थिएटर के लिए मंच बनाया गया है, वहाँ पर ट्रैफिक सर के लिए रहेगा कि आपको मतलब ये देख लेना होगा कि गाड़ियों का मूवमेंट वहाँ कैसे हो पाएगा, आपके लिए पुलिस के लिए थोड़ा वहाँ पर शाम के बाद निर्जन सा है, वहाँ पे आसपास में मकान तो हैं। वहाँ पे हमारे 4 कार्यक्रम हो रहे हैं, 4 नाटक, पहला है चौरी चौरा पे, कल उसका अप्रूवल हो गया कि वो 1 बजे से करेंगे 12 तारीख को, तो वो 1 से करें 2 से करें हमें चिंता नहीं है, 2 घंटे का उनका चौरी चौरा का नाटक है, आधे घंटे का एक और लास्ट में, मतलब 2.5 घंटे के नाटक या 3 घंटे का नाटक पहले दिन होगा, वो
एक बजे से भी कर सकते हैं, दो बजे से भी कर सकते हैं। वहाँ का हमारा केवल चैलेंज ये है कि ओपन है थोड़ा सा, यद्यपि वो भी गेटेड एंट्री है, बाहर भी स्पेस है, हम बाहर थोड़ी सी प्रदर्शनी वहाँ पे भी लगाएंगे और प्लस चार पांच शॉप्स रखेंगे कॉफी टी और ये जो हम लोग सिनेमा हॉल में खाते हैं पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये चीजें बाहर चार पांच रखेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति वहाँ नाटक ले, हाँ कुछ खा ले और खाता पीता रहे। तीसरी साइट है हमारी महंत दिग्विजय नाथ पार्क जो ठीक एनएक्सी इसके सर्किट हाउस के बगल वाला जो बड़ा सा पार्क है, वहाँ हमारे दो कार्यक्रम हैं। पहला है 12 तारीख की सुबह ही डॉग शो, दो नाटक और 13 को दो नाटक, 12 और 13 को दो नाटक, वो दोनों दिन में ही होंगे। हाँ हम 5 बजे उसको बंद भी करा देंगे जिससे वहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। 5 बजे हम वहाँ से दुकानें भी बंद करा देंगे, मतलब अंधेरा होते होते दुकानें बंद हो।